नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ अविनाश तिवारी के माता पिता और दादी जी हमारे साथ हैं, तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है आप सबका। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले हम अविनाश तिवारी की दादी जी से बात करेंगे। कई बार हमने वीडियोज में देखा है अविनाश तिवारी जी कहते हैं कि मेरी दादी के साथ मैं जब कहानियां सुना करता था तो मुझे लगता था कि मैं टीवी में कब आऊँगा, और आज अविनाश तिवारी टीवी में भी आ रहे हैं और लोग के द्वारा देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। तो आपको ये सब कुछ देख करके कैसा महसूस होता है? अच्छा लागत है जी, बढ़िया लागत है। अब हम 8 साल दूध पिया हूँ बच्चा का, तो का लागत रहा कि हम लड़का आगे निकली जी, निकल गया जी। भगवान की मर्जी आए। तो पहले और अब जो है तो आपको जो है तो अविनाश तिवारी की दादी के नाम पे जाना जाता है। हर परिवार वालों का और कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स का ये मानना होता है कि एक दिन ऐसा आए जब बच्चों के नाम से वो जाने जाएं, और आप लोग के जीवन में वो मुकाम आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें देख करके किस तरह से महसूस करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगता है, खुशी। और अभी चाहे हम रसिक जी की बात करें और प्रकाश जी की भी बात करें, एक बेहतर सिंगर हैं, काफ़ी जाने जाते हैं, अविनाश तिवारी जी की तो बात ही कुछ और है। तो इस सफ़र को लेकर के जब शुरुआत हुई थी तो कुछ संशय थे आपके कि क्या होगा आगे चल के, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आज जो सफलता मिल रही है तो उन चीज़ों को लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग, बहुत बुरा लगता था जब मतलब इसको देखते हैं, पढ़ना लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, यहाँ वहाँ भटकता भागता रहता था, और फिर बाद में थोड़ा बहुत सुधरने लगा, फिर रामलीला में गया, वहाँ से कुछ मतलब करने लगा, हो गया। तो सब आप देख ही रहे हैं सब लोग। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक पिता के पास होती है अपने बच्चों को लेकर के, वही रास्ते दिखाता है, और उसके रास्ते पर जब बच्चा नहीं चलता है तो कई बार भटक जाता है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां थी आपने बखूबी निभाई और वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो शुरुआत में जब कला को लेकर के अविनाश का रुझान आपने देखा तो आपको इस बारे में क्या लगा, चूँकि आप पहले से रामलीला से जुड़े हुए हैं और आपके परिवार के कलाकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का ही वो आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण का ही वो आशीर्वाद है जो फलीभूत हो रहा है। तो शुरुआत के दिनों को लेकर के थोड़ा सा बताएं। शुरुआत में जब अविनाश लगा कि ये गलत संगत में न चला जाए कहीं, और मैं घर में नहीं रहता हूँ, मेरी रामलीला भारतवर्ष के विभिन्न बड़े शहरों छोटे गांवों में चली जाती है, तो ये लगा कि इसको अपने साथ रख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भटकने न पाए। जब अपने साथ हमने रखा तो कॉमेडियन के तौर पर जो कॉमेडी करने वाला कलाकार रामलीला में होता था वो बिना मेरे बताए अविनाश निकलता था तो बेहतर, उससे अच्छा काम करता था। तो जब अच्छा काम करता था तो मैं अंदर अंदर खुश होता था। बाहर से जो हमारे रामलीला के मैनेजर हैं वो बड़े प्रसन्न होते थे और हमसे कहते थे कि ये हम लोग दादू कहते हैं गांव में, उसको दादू कहते हैं। अब सबके सामने फिर अब हम भी अविनाश कहने लगे, हम लोग भी बाकी दादू नाम से, तो मैनेजर बोलने लगे दादू ये कॉमेडियन लोगों से तो बहुत अच्छा काम करता है, तो क्यों फालतू में 500 रुपये आप कॉमेडियन को दे रहे हो, दादू करेगा ठीक रहेगा। तो हमने कहा कि यार फिर यहीं तक सीमित रह जाएगा, हम चाहते हैं कुछ और ये बने। बोले नहीं, देखिए हो सकता है भविष्य में कुछ राम जी की कृपा हो। तो राम जी की कृपा हुई जिस दिन उसके ऊपर लगा कि ठीक है, रामलीला में रख के हमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की, ठीक किया जी। और जब कभी कला को लेकर के आपको ऐसा लगा हो कि अविनाश गलत कर रहा है, जब आपने डाटा हो उस अनुभव के बारे में, अगर ऐसा कुछ है तो बताएं। हाँ, कभी कभी होता था, ओवर एक्टिंग, बच्चा था चूँकि 18 साल की उम्र से आया रामलीला में, वो तो बच्चा था तो कभी ऐसी भूल कर देता था। जैसे रावण बाणासुर का अभिनय चल रहा है, एक बढ़िया काम चल रहा है, जनक जी की गिलानी चल रही है, जनक जी रो रहे हैं पर लेदहा राजा के रूप में कॉमेडियन के रूप में बैठा है, तो पब्लिक की ओर देख करके और हंस देता था, मैंने कुछ तो पूरी पब्लिक रोने की जगह हंसना शुरू कर देती थी, तो उसी में डांटते थे कि तुम या तो चुप रहो या तो अंदर चले जाओ। ऐसा एक दो बार किया, इसके बाद सुधर गया, वो उसमें सुधार हुआ जी। और अब तो आपको डांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, आपको काफ़ी गर्व महसूस होता होगा, तो काफ़ी कुछ बदल चुका है कहीं ना कहीं। तो उस शुरुआती दिनों को लेकर के और आज एक बेटे के द्वारा आप पहचाने जा रहे हैं, और आपने एक लंबा सफ़र तय किया है, एक संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं उस संघर्ष की सफलता भी दिख रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं रामलीला में बतौर
निर्देशक काम करता हूँ व्यास गद्दी, जिसको व्यास कहते हैं, तो मैं खड़े होकर के व्यास पीठ पर रामायण की चौपाइयाँ कहता हूँ। लगभग 4 घंटे तो ऑलरेडी कार्यक्रम चलता है, प्रत्येक दिन 4 घंटे। उस 4 घंटे में, उस 4 घंटे का जो उस तपस्या का फल है, तो अविनाश अभिषेक प्रकाश शैलू के रूप में मुझे मिला। इसकी खुशी तो मेरे अंदर है, खुशी इतनी है कि उसको मैं कह नहीं पाऊँगा जी। और आपके बारे में, आपके पिताजी ने कहा था कि मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा, ऐसा सुना था। आपके पिताजी का जो आशीर्वाद था, जो आप कला के क्षेत्र में उतरे थे, तो उसके बारे में जी। देखिए, मेरे पिताजी रेंज अफसर थे और उस दिन रेंजर के मुट्ठी में छोटी मोटी नौकरियां हुआ करती थी, पर उनका सपना था कि तुम नौकरी मत करो। मैं फौज में एक बार सेलेक्ट होके गया, बताने लगा अपनी माता जी से कि मैं फौजी हो गया हूँ। मेरे पिताजी बोले नहीं, फौज में नौकरी नहीं करना है। तो जब नौकरी नहीं किए, तो 2 अक्टूबर 1984 को मैंने रामलीला की स्थापना की, तो उसमें 10 कलाकार 12 कलाकार मेरे घर पहुँचे। संयोग से मेरे पिताजी भी आ गए, तो उनको देख करके पूछे ये कौन है, तो हमने बताया रामलीला शुरू करने वाले हैं। बहुत खुश हुए, बोले कम से कम 10-15 लोगों को रोजगार दोगे, 15 लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है जी। और अब हम बिंद देश प्रदेश से जुड़े हुए कलाकार, जिनको एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, एक सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, समाज उन्हें धिक्कारता है, कई बार कलाकारों के प्रति जो नज़रिया है, तो कहीं ना कहीं आज भी एक अभाव देखने को मिलता है। तो एक पिता की हैसियत से, एक कलाकार के पिता की हैसियत से, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिनके बच्चे कला के क्षेत्र में काम करने के उत्सुक हैं? जी, मैं उन माता पिता को ये कहना चाहूँगा, चूँकि मेरी खुद की ये सोच रही है कि अविनाश कहाँ जा रहा है, अभिषेक कहाँ जा रहा है, आज की रात उसने कहाँ बिताई, किन किन के साथ में रहा। केवल इतना चेक करें वो माता पिता कि हमारा बेटा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। इतना चेक करने के बाद कला की दुनिया में अगर उन्हें स्वतंत्र, कला के क्षेत्र में अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो वो कलाकार कभी बन ही नहीं पाएगा। उन माता पिता से मेरा विशेष अनुरोध है, बल्कि हाथ जोड़ के नहीं, प्रणाम करके अनुरोध कर रहा हूँ, कि अपने बच्चों को कला की दुनिया में इस तरह से छोड़ें जैसे समुद्र में मछुआरा गोते लगाते हुए मछली पकड़ते हुए निकल जाता है, कहाँ चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है पकड़ते पकड़ते। उस तरह से कला की दुनिया में छोड़ दिया जाए, अगर बच्चे निश्चित रूप से हासिल करके ही आएंगे कला के क्षेत्र में अपनी मंजिल जी। रामचरितमानस के चरित्र को आपने लगभग 3 दशक से अधिक जिया हुआ है, और एक पिता की भूमिका में आपके बेटों ने जो कुछ किया है, जो कुछ कर रहे हैं, तो एक बेहतर कहीं ना कहीं संस्कार का ही परिणाम ऐसा होता है। तो रामचरितमानस में पिता और पुत्र के संबंधों को लेकर के जो बातें कही गई हैं, वो चौपाइयों के माध्यम से हम आपसे सुनना चाहेंगे, उनका अर्थ सहित। जी जी, ठीक है। जैसे रामचरितमानस में सबसे पहले तो ये कि चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ ने श्री राम को सीधे सीधे ये नहीं कहा कि तुम वनवास चले जाओ, लेकिन उनका रुख जो था, रुख के हिसाब से श्री राम को वनवास जाना पड़ा। तो भगवान राम ने जिस समय लक्ष्मण शक्ति हुई, उस समय सीधे ये कहा, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। अगर मुझे ये भरोसा होता, ये जानकारी होती पहले से कि वन में आने पर हमें बंधु का बिछो हो जाएगा, भाई मुझसे अलग हो जाएगा, तो मैं अपने पिता की बात वहाँ पर न मानी होती। लेकिन ये हमारा चरित्र है, ये हमारा रामचरितमानस है कि मातु पिता प्रभु गुरु कह बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता की बात, पिता की बात, गुरु की बात, प्रभु की बात को बिना विचारे मान लिया जाए, उसमें केवल हित होता है, यही मान करके श्री राम जी, इसीलिए तो माँ कैकेयी ने कहा कि बेटा राम बन जाओ। अभी राजा बनाने के लिए तुम्हें चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ कह तो रहे हैं कि लेकिन इस काबिल तुम हो नहीं, इसलिए पहले बन जाओ। जंगल जाने के लिए नहीं कहा उन्होंने, बन जाओ, बनो, तो पहले बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए लोटा और बेटा बाहर ही चमकता है। जिस लोटे को लेकर के हम सुबह जाएंगे बाहर मैदान, उसको आएंगे तो सबसे पहले उसको हम वहाँ नहीं रखेंगे, सबसे पहले हम अपने हाथ से उसमें राख लगाएंगे, मिट्टी लगाएंगे, और बेटा और लोटा दोनों बाहर ही चमकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने बेटे को निश्चित रूप से चमकाना है अगर, तो स्वतंत्र करना होगा, आज़ाद करना होगा। और
भगवान श्री राम की जब हम बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी पतिव्रत व्यक्ति हैं और एक बेटे की भूमिका ऐसी है श्री राम की जो शायद अनन्यतम है, अद्भुत है, अद्वितीय है। उस भूमिका के बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। श्री राम तो केवल एक ऐसे हैं, एक ऐसे आदर्श हैं, रामचरित मानस, इसको अगर उल्टा पढ़ दिया जाए तो मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम जैसे हो जाएगा वो रामचरित मानस कह देगा, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान राम अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए इतना बड़ा भरोसा था माँ सुमित्रा को कि जिस समय लक्ष्मण जी पूछने जाते हैं अपनी माँ से कि श्री राम जी वन को जा रहे हैं, मुझे क्या करना है, तो माँ सुमित्रा ने सीधे यही कहा है कि जहाँ राम है अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है और इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। राम तो इतने बड़े हैं कि सीधे सीधे लक्ष्मण ने ये कहा है, जिस समय राम ने कहा कि पिताजी बीमार हैं, दुखी हैं, तुम मत जाओ मेरे साथ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो राम तो सब कुछ है, माता भी हैं, पिता भी हैं, बेटा भी हैं, पति भी हैं, सब कुछ हैं और न कहीं वो पीछे हुए। बेटे का आदर्श निभाया है उन्होंने, माँ बाप का कहना मान करके, भाई का आदर्श निभाया उन्होंने भरत को वापस भेज करके, पति का आदर्श निभाया उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग करके, राजा का एक आदर्श निभाया उन्होंने सीता जी का परित्याग करके, ये सारी बातें राम में पाई जाती हैं जी। एक अद्भुत चरित्र है राम का कहीं ना कहीं से, और हम रामचरित मानस के कुछ अद्भुत चौपाई आपसे और सुनना चाहेंगे। जैसे बताना पड़ेगा, जैसे क्योंकि रामचरित मानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं ना, जितनी भी चौपाइयाँ हैं सब मूल मंत्र है, वो कोई चौपाइयाँ नहीं है, सारे मूल मंत्र है। वो तो मंत्र जो भी आप सुनना चाहें वो पूछें तो हम बता देते हैं। सबरी आश्रम में भगवान राम नवधा भक्ति बताते हैं सबरी को। सबरी एक पतित पावनी है, एक बहुत समाज में एक सबसे निचले स्तर पर खड़ी हुई है वो। श्री राम जी उसको नवधा भक्ति बताते हैं। जब सबरी कहती है प्रभु केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं क्योंकि मैं जाति की अधम हूं, छोटी जाति से हूं। तो भगवान राम ने कहा हे सबरी कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, हे भामिनी मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सिर्फ एक भक्ति का नाता मानो। क्योंकि सबरी सस्पेंस में थी, सबरी राम जी को देखकर ये सोचती थी कि मैं राम को क्या मानूँ, राम को अपना बेटा मान लूँ, राम को अपना पति मान लूँ, राम को मैं अपना मित्र मान लूँ, मान क्या लूँ। भाई जो मानेगा उस तरह से ना स्तुति करेगा, जैसे माँ अगर वो सोचती है अगर मैं राम को अपना बेटा मान लूँ तो बेटा कह के बुलाएगी। इस तरह से भगवान ने कहा एक भक्ति का नाता मानो हमारा अपने से, व्यक्ति अगर भक्ति का नाता मानता है तो ज़्यादा करीब होता है मेरे, इसलिए मैं नौ प्रकार की भक्तियों से तुम्हें अलंकृत करता हूँ। भगवान राम ने नौ प्रकार की भक्ति बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग को कहना सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान, चौथी भक्ति है मेरे गुण को कपट त्याग करके गाया जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मेरे मंत्रों का जाप करना मेरी पांचवी भक्ति है। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठवीं भक्ति है शीलवान होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सतवीं भक्ति है मेरे जैसे सारे संसार को मानो, सारे संसार को राम मान लो और संत को मुझसे भी ज़्यादा मान लो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति मेरी है जितना मिल जाए उतने में संतोष करना,
नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। नौमी भक्ति है मेरी, सरलता होनी चाहिए, मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। यही बात मैं अपने बेटे अविनाश को, अभिषेक को बताता चला है कि ये नौ भक्तियों का निश्चित रूप से तुम अनुसरण थोड़ा सा भी करोगे। सरलता सहजता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम बिंद के सुपरस्टार हो गए तो बड़े बड़े लोग तुम्हारे आगे पीछे जाएं तो तुम अपने आप को भूल जाओ। नहीं, सरलता अपनी हमेशा पास में रखना, क्योंकि भगवान राम स्वयं कह रहे हैं। जी, आपने इन भक्तियों के माध्यम से जीवन के मूल उद्देश्य, जीवन के संघर्ष के पथ और मिलने वाली सफलता सबको बड़े ही अद्भुत तरीके से व्यक्त कर दिया है। अभी हमने आपसे कलाकारों के प्रति उनके माता पिता के व्यवहार को लेकर के चर्चा की, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो हमारी संस्कृत, हमारी मर्यादाओं में सबसे बड़ी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बेटों के द्वारा उनके माता पिता के परित्याग की समस्या है। बड़ा ही दुखद विषय है ये कि देश में वृद्धाश्रमों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इन पथ से भटके हुए बेटों के बारे में, उनके बालकों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? जी, ऐसा है कि इसमें दोनों को सोच समझ के काम करना चाहिए, दोनों तरफ से, माता पिता को भी और बेटे बेटियों को भी। बेटे बेटी अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, पहले तो हम क्यों की तलाश करें। अगर उस क्यों की तलाश कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और माता पिता उनको पर्याप्त, जितना उनके पास है उतने बेटे उनसे अपेक्षा रखें कि हमें इतना इनसे मिले। और कला के क्षेत्र में जाना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है तो अपनी हैसियत को, अपने माँ बाप की हैसियत को ध्यान में रखते हुए उनकी माली हालत कैसी है उस हिसाब से काम करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। उनकी औकात नहीं है साइकिल खरीदने की और बेटा कार चाहेगा तो कहाँ से वो बेचारे दे पाएंगे। इसमें परित्याग करें माता पिता का तो उनकी बच्चों की भूल है। अब माँ बाप की औकात है फोर व्हीलर खरीदने की, चार माने कार खरीदने की, और बेटा साइकिल के लिए तड़प रहा है तो माँ बाप का दोष है। इस सब में सामंजस्य बैठाना पड़ता है दोनों ओर से, माँ बाप की ओर से भी, औलाद की ओर से भी। जी, चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें कहीं, राम के चरित्र के बारे में हमसे बातचीत की, आपने अपना मूल समय निकाला, इसके लिए द खबरदार न्यूज़ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है। जी जी, मैं भी खबरदार न्यूज़ को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, निरंतर उत्तरोत्तर इस तरह से वृद्धि करता रहे। और मुझे यहां आने का आपने समय दिया, मुझे भी तो आपने अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।